पार्टी से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। प्रदेश अध्यक्ष की तानाशाह कार्यशैली आज कांग्रेस जनों पर भारी पड़ रही है। उनका हर लिया गया फैसला जो पार्टी के विरुद्ध जा रहा है। सरकार रहते हुए नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अपने ही मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से बदलने की बात कही जा रही है, नॉन परफॉर्मेंस की बात कही जा रही है। पार्टी भी कमज़ोर हो रही है और सरकार की भी स्थिति कमज़ोर हो रही है। अगर हमारे चार मंत्री नॉन परफॉर्मर हैं तो इसका मतलब है कि पूरी सरकार को जो आरोप बीजेपी लगाती है उस आरोप को ताकत दे रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। रामगढ़ चुनाव की समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए रामगढ़ समीक्षा। राहुल गांधी के ऊपर प्रधानमंत्री द्वारा अत्याचार को लेकर के जन सत्याग्रह, भारत जन सत्याग्रह का आगाज किया गया था। सत्याग्रह अपने आप में आंदोलन की चुनौती का प्रतीक है। ये क्या कर रहे हैं सत्याग्रह में जाकर के? माला पहन रहे हैं, नारा लगवा रहे हैं। इसलिए आज जरूरत है कांग्रेस को बचाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं उन्होंने कहा है डरो मत, डरना नहीं है। इसलिए हम जो है ये बातें कह रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे और साथी भी अपनी बातों को रखेंगे, बोर्ड और निगम के गठन में सुनने में आ रहा है कि बाहर से आए हुए नेताओं को तरजीह दी जा रही है, ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है। आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि पिछले वर्षों में सरकार के गठन में किसने अपनी जान की बाजी लगाई, सरकार बनने के बाद कौन लोग थे जिन्होंने कोरोना काल में जनता की सेवा की, आप सब जानते हैं इस बात को। और जो लोग घरों में विश्राम कर रहे थे, आज वो अगर फैसला करेंगे, गलत फैसला करेंगे, तो विरोध करना लाजमी है। इसलिए आज हम बापू वाटिका के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद 13 मई को जब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, तब हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास जाएंगे, वहाँ भी धरना देंगे और मांग करेंगे कि किस तरह से इस प्रदेश अध्यक्ष को एक दिन भी बने रहना पार्टी के लिए घातक है, सुसाइडल। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।